अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम बनाएंगे ईद के पहले जो एक दिन होता है अरफा जिसे कहते हैं उस पे। तो आज के दिन पे मोस्टली क्या होता है हमारे टाउन बारामला में, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हम करेंगे तो ये अपनी गाड़ी, इसको ले जाएंगे, वॉश कराएंगे, ईद के लिए रेडी रखेंगे। थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर वापस आके ये वाली बाइक तो नहीं, दूसरी वाली बाइक जो अपनी है R15M, उसे लेके जाएंगे एंड थोड़ा सा मार्केट का एक व्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे सर्विस सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो, मैं चल रहा हूँ सर्विस सेंटर की तरफ। यहाँ पे ये चकलू में है यावर मोटर्स, ये बहुत अच्छे से गाड़ी धोता है एंड एट रीजनेबल प्राइस दैट टू। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, हमारी गाड़ी का नंबर आएगा या ना आएगा, ईद पे तो सबको गाड़ी धोनी ही धोनी है। तो अंदर गाड़ी डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। यूजुअली जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आज जो डिफरेंट है, आज मेरी अपनी R15M साथ नहीं है, वो ऑलरेडी बारामला में ही है एंड ये आमिर की स्प्लेंडर मेरे साथ है, लॉर्ड स्प्लेंडर। तो इस पर मैं जाऊँगा बारामला तक, वहाँ से लूँगा अपनी R15 एंड उसके बाद बारामला मार्केट विज़िट करते हैं एंड देखते हैं कैसी ईद की चहल पहल है। पहुंच गया हूँ आज़ादगंज, यहाँ पे आप देख रहे हो गाड़ियाँ भर भर के लोग आ रहे हैं, जो हमारे साइड से गांव वगैरह है वहाँ से शॉपिंग करने ईद की। एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये तो आज़ादगंज हुआ। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे पुल क्रॉस करके टांगाडा एंड मेन चौक की तरफ। पहले हम जाएंगे, उससे पहले आमिर के पास जहाँ पे हमारी बाइक है वो लेने के लिए, पहले हम वो लेंगे और वहीं से फिर जाएंगे चौक की तरफ और चौक में देखते हैं क्राउड वगैरह कैसा है। अरिफ भाई की शॉप पे, रेडीमेड शॉप। अरिफ भाई कैसे हो? प्रोपरेटर अरिफ साहब, जीन्स शर्ट्स टी शर्ट्स शूज, आज के ट्रेंडिंग शूज। मैन बस स्टैंड, यहाँ पे एक फेमस शॉप है हमारी, और ये अमोद हमारी फेमस शॉप है शहबाज की, टॉकिंग सीजर। यहाँ पे तो हो गई ले रहे शहबाज फरीदी। शहबाज आयु एंड हमारे सलीम भाई उधर से, क्राउड तो रहेगा ही ज़्यादा। बस स्टैंड बारामला, यहाँ पे आपको हर एक किस्म की सब्जियाँ, फ्रूट्स, गाड़ियाँ तो पता ही है बस स्टैंड ऑब्वियसली, एंड उसके बाद जो क्लोथिंग वगैरह है सब कुछ मिल जाएगी। एंड यहीं पे है शहबाज की शॉप भी। भाई पीछे ना, क्या कर रहा? अभी यहाँ पे भी तो क्राउड अच्छा था। डर डर, ऑलमोस्ट ठोक दिया था इस भाई को, आगे ले जाया, ठोक दिया इसको। अब लड़ो, अब लड़ो, आराम से लड़ो, ऑलमोस्ट ठोक दिया था इसको। और ईद फ्रस्ट्रेशन एंड जैसा मैं आपको बोल रहा था, सब्जियाँ तो मिलेंगी, उसके बगैर ईद पे जो रोटियाँ वगैरह बनती है स्पेशल रोटियाँ, वो चिकन मीट यहीं से है जिसे कहते हैं बड़मास कुछ, तो हम वहीं से जाते हैं एंड फिर वहाँ से फिश मार्केट, फिश मार्केट से कॉकर बाज़ार, बड़मास को देखते हैं आज कितनी भीड़ होगी। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे जहाँ पे बड़मास बिकता है। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ घाट बाज़ार की तरफ, यहाँ पे भी सेम थिंग, बहुत ज़्यादा क्राउड,
मतलब एक चीज़ अच्छा है बारामला में, यहाँ का मार्केट छोटा है बट हर एक जगह अलग अलग है। जैसे गार्ड बाज़ार अलग है, कोकर बाज़ार अलग है, जैसे बड़माज कोच वो अलग है, सब्ज़ी बाज़ार अलग है। छोटा सा मार्केट है कंपेरेटिवली, अगर आप देखोगे बहुत सारी जगह जैसे सुपुर का मार्केट बहुत बड़ा है, बारामला का छोटा सा है। बट एक चीज़ अच्छा है इसमें, यहाँ के मार्केट में और वहाँ के मार्केट में आई कैन से यहाँ का जो मार्केट है ना, बीइंग बारामला टाउन के लिए बहुत मतलब ठीक है। हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो चीज़ आपको बारामला में अवेलेबल होगी ना, दैट वो ऑलवेज ब्रांडेड ही होगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बारामला में बेशक चीज़ें कम मतलब मार्केट कम हो और चीज़ें कम भी बिकती हो माइट बी, बट यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं ब्रांडेड। आई कैन से जैसा श्रीनगर में आता है लाइक अनंतनाग में होगा, वैसा बारामला में भी जैसे, बट जो चॉइस जैसे सुपुर की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत सारा कनेक्टिंग गांव है, जिसकी वजह से वहाँ की चॉइस थोड़ी सी वो होती है, थोड़ी सी डिफरेंट, राइट। तो ये तो हुआ फिश मार्केट, फिश मार्केट से हम निकल गए बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स। अभी तो मैं मार्केट में रह के घूम के आ गया, थोड़ा सा काम भी ख़त्म किया, अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, जहाँ पे मैंने कार वॉश के लिए गाड़ी रखी है। गाड़ी को अब रिसीव करते हैं, उन्होंने गाड़ी कंप्लीट करके रखी है तो गाड़ी को वापस रिसीव करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर से वापस आते हैं शाम को फिर से देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे।